चला जी होल्ड 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 होल्ड। अरे हटा यार बाउंसर। चलो चलो हो गया क्या बात। अरे भाई, अरे एक साइड बस सेंटर लुक लुक राइट 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 ऑल ऑफ यू राइट। हां मोबाइल पीछे। थैंक यू थैंक यू बाय। अच्छा नेगेटिव वैसे वाला। हाँ तो फिर इस सीरीज में कितना ज़्यादा नेगेटिव है या कितना ज़्यादा पॉजिटिव है अभी से क्यों बताऊँ फिर मैं आपको ये बात। ये तो फिर देखनी पड़ेगी ना कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव। और पर उसमें ये बात पक्का है कि उसमें अच्छी खासी लेयर्स हैं आपकी बात। कुछ ट्विस्ट हैं तो मज़ा आएगा। सीजन वन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इस बार भी लोग कह रहे हैं कि ये भी उतना ही पसंद आ रहा है। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड और आपको लगता है कि ये सीजन टू भी सबको अच्छा लगेगा? मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने जैसे इनको अभी कहा था सीज़न टू इसलिए बनता है जब सीज़न वन को बहुत प्यार मिलता है। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि उससे भी ज़्यादा दुगुना चौगुना प्यार सीज़न टू को भी मिले। श्रिया जी आपके हिसाब से आपको लगता है कि एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब सीज़न टू आता है क्योंकि लोग जो है कुछ नया चीज़ देखते हैं? बिल्कुल। आप लोग सीज़न वन में भी सीज़न टू में भी अभी लोग हैं तो कुछ नया करने का? एक्चुअली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है एंड आई थिंक जब हमें मौका मिलता है टू प्ले ऑफ ईच अदर फिर ज़्यादा मज़ा आता है। और इस बार मेरा कैरेक्टर और इनका जो कैरेक्टर है काफ़ी आई थिंक बैक विद अ वेंजेंस वाला जोन है। सो इट्स ऑलवेज फन टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट दैट केमिस्ट्री विद हिम। नहीं चैनल्स पे नहीं देखूंगे, चैनल तो अलग अलग ही रहेंगे लेकिन सीन्स में आ सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं सुना लेकिन कोई सीन नहीं था हमारा लेकिन इस बार है हमारे साथ। थैंक यू थैंक यू। इस तरफ आइए इस तरफ। अरे बॉडी चला जी होल्ड 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 होल्ड। अरे हटा यार बाउंसर। चलो चलो हो गया क्या बात। अरे एक साइड बस अरे होल्ड कम क्लोज कम सेंटर 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 बस बस अरे ये क्लोज नहीं। अरे आप लोग क्लोज बोलो। यस सेंटर लुक लुक राइट 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 ऑल ऑफ यू राइट। मोबाइल पीछे। थैंक यू थैंक यू बाय। अच्छा नेगेटिव वैसे वाला। हाँ तो फिर इस सीरीज में कितना ज़्यादा नेगेटिव है या कितना ज़्यादा पॉजिटिव? अभी से क्यों बताऊँ फिर मैं आपको ये बात। ये तो फिर देखनी पड़ेगी ना कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव। और पर उसमें ये बात पक्का है कि उसमें अच्छी खासी लेयर्स हैं आपकी बात। कुछ ट्विस्ट हैं तो मज़ा आएगा। सीज़न वन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इस बार भी लोग कह रहे हैं कि ये भी उतना ही पसंद आ रहा है। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड और आपको लगता है कि ये सीज़न टू भी सबको अच्छा लगेगा? बिल्कुल। मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने जैसे इनको अभी कहा था सीज़न टू इसलिए बनता है जब सीज़न वन को बहुत प्यार मिलता है। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि उससे भी ज़्यादा दुगुना चौगुना प्यार सीज़न टू को भी मिले। श्रिया जी आपके हिसाब से आपको लगता है कि एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब सीजन टू आता है क्योंकि लोग जो है कुछ नया चीज़ देखते हैं? बिल्कुल। आप लोग सीजन वन में भी सीजन टू में भी अभी लोग हैं तो कुछ नया करने का मौका मिला है? एक्चुअली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है एंड आई थिंक जब हमें मौका मिलता है टू प्ले ऑफ ईच अदर फिर ज़्यादा मज़ा आता है। और इस बार मेरा कैरेक्टर और इनका जो कैरेक्टर है काफ़ी आई थिंक बैक विद अ वेंजेंस वाला जोन है। सो इट्स ऑलवेज फन टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट दैट केमिस्ट्री विद हिम। नहीं चैनल्स पर नहीं देखूंगे, चैनल तो अलग अलग ही रहेंगे लेकिन सीन्स में आ सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं सुना लेकिन कोई सीन नहीं था हमारा लेकिन इस बार है हमारे साथ। थैंक यू थैंक यू।